الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم صدق الله العظيم ہر مسرت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے ہر مسرت بھی وہی غم بھی وہی دیتا ہے धूप और छांव के मौसम भी वही देता है और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। बेशक बेशक। हाजिरीन मजलिस मुअज्जज व मुअक्कर उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की मईशत और दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें एक एक नेमत के तौर पर सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर एक नेमत से नवाजा। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, वो ईमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस पर हमने ईमान लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का इकरार किया। हम आपकी उम्मत में हैं, हम और आप बैठ कर इस बात का तज्जिया करें और इस बात को सोचें कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा से इंतहा तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस उम्मत के लिए और इस उम्मत के खातिर हर दौर में हर वक्त इस उम्मत की तलाश में इस उम्मत की हर आसानी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस नबी की तारीख और सीरत अगर हम उठाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हम उस नबी की उम्मत हैं जिनके कमालात और बरकात का आलम यह है कि नबी वो नबी है जिनकी उंगली में भी कमाल, जिनकी हथेली में भी कमाल, जिनके कदमेन में भी कमाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर हम तज़किरा पढ़ते हैं हमें अंदाजा इस बात का होता है, नबी की उंगली का कमाल का आलम यह है कि नबी की उंगली का कमाल अगर पूछना है और मालूम करना है तो मक्का की सरजमीन से आप सवाल कीजिए, उड़ते हुए धूल से आप पूछिए, ऐ मक्का की सरजमीन मेरे नबी के कमाल को बताइए, मक्का की सरजमीन और दरो दीवार गवाही देगी और ये बात आपको बताएगी कि मेरे नबी का कमाल ये था कि अबू जहल आया अल्लाह के नबी के दरबार में, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह तबारक व ताला के हबीब हैं, हम आपकी नबूवत और रिसालत को इकरार कर लूंगा, अल्लाह की वहदानियत को इकरार करूंगा, शर्त ये है ये आसमान की बुलंदी है और इस आसमान की बुलंदी में वो चांद जो दिख रहा है उसे दो हिस्सों में तकसीम कर दो। दुनिया वालों, दुनिया का हर शख्स अपनी पांच उंगलियां नहीं वो 10 उंगलियां आसमान की तरफ उठा ले, उस चांद में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अरे ये यतीम अब्दुल्लाह की उंगली का कमाल था कि उस आसमान की बुलंदी पर अपनी उंगली उठाने की जरूरत थी और देर था कि अल्लाह तबारक व ताला का फैसला आसमान से नकद फैसला आता है और वो चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अबू जहल पैतरा बदलने लगा और कहने लगा वाह मोहम्मद तेरा जादू तो आसमान की बुलंदी में भी चलने लगी। अबू जहल ने जमातें तैयार की, वक्त का शक्ल तैयार किया और इलाकों में भेजा और पूछने के लिए ये बस बात के लिए कि चांद फला तारीख को और जो फला वक्त था उस वक्त चांद की क्या हयात और क्या सूरत थी। लोगों ने गवाही दी
कि मेरी सर की आंख ने देखा। मैं जब उस वक्त आसमान की बुलंदी पर अपनी आंख उठाया, मैंने देखा वो चांद दो हिस्सों में तकसीम था। याद रखिए, जिस नबी की उंगली में इतना कमाल हो और जिस नबी की हथेली में इतना कमाल, नबी की उंगली में इतना कमाल हो, उस नबी की हथेली में कितना कमाल होगा। नबी की हथेली का कमाल अगर पूछना है और मालूम करना है तो पूछिए हजरत अनस से। हजरत अनस बयान करते हैं कि मेरी सर की आंख ने देखा कि मैदान जंग में हजरत सहाबा जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहे, हजरत सहाबा के पास खाने पीने की चीजें थी खत्म हो गई, मशकीजे सूख गए, बर्तन में पानी खत्म हो गया, जबकि हजरत सहाबा को कहना पड़ा ए अल्लाह के नबी प्यास लगी है, ए अल्लाह के पैगंबर बर्तन में पानी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से उन बर्तन को लाओ, उन मशकीजे को मेरे करीब लाओ। कहा कि अल्लाह के नबी पानी बर्तन में नहीं है, कुछ नहीं है, बर्तन बिल्कुल खाली है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उन बर्तन को लाया जाए। उस बर्तन को लाया गया, उस बर्तन को उलट दिया और उसके मुंह पर उसको पलट दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेली उस प्याले के पुष्ट पर रखते हैं। तारीख पढ़िए, सीरत की किताब पढ़ने से आपको अंदाजा होगा कि उस प्याले के पुष्ट पर यतीम अब्दुल्लाह की हथेली का रखने का देर था। पानी का फव्वारा जारी हो गया, हजरत सहाबा पानी पीने लगे। आपने बर्तनों को भर लिए, जानवरों को पानी पिलाया, अपने बच्चों को सैराब किया, अपनी औरतों को पानी पिलाया। तमाम को पिलाने के बाद हजरत सहाबा को कहना पड़ा हसबुना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर आप पानी हमारे लिए काफी हो गया। ए यतीम अब्दुल्लाह अपनी हथेली को इस प्याले के पुश से उठा लीजिए, वरना ये रेगिस्तान का इलाका पानी से जलथल हो जाएगा। हम उस नबी की उम्मत में हैं जिस नबी की उंगली में कमाल ये था, जिस नबी की हथेली में कमाल ये था, जिस नबी के कदमेन का कमाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात आपकी सीरत पढ़ने से हमें अंदाजा होता है। अफसोस तो इस बात का होता है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने नबी की सीरत को पढ़ें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि अकाबिर की तारीख को पढ़ें। अगर हम अकाबिरीन और उलमाए किराम की तारीख को पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि उस वो नबी जिसको हमारे लिए एक नमूना बनाकर भेजा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी है और जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम करता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हें हर वक्त और हमादम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और नमूने जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जब किसी के तरीके के मुताबिक अमल करना होगा और जब किसी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना है तो सबसे पहले उस नबी से इश्क और मोहब्बत का मामला करना होगा। हमारी मोहब्बत जब नबी से इश्क और मोहब्बत का मामला होगा तो फिर आधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना और आपके अदाओं को अपनाना हमारे लिए आसान इसलिए होगा कि सहाबा की तारीख को पढ़िए, सहाबा का देखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को देखते थे कि नबी का तरीका वजू करने का क्या है, नबी का तरीका नमाज पढ़ने का क्या है। इसलिए कि सहाबा को अपने नबी से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि मोहब्बत का मामला यह है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद नबवी तशरीफ ले जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। रास्ते में हजरत अब्बास का मकान पड़ता था, हजरत अब्बास के मकान से गुजरकर मस्जिद नबवी जाते हुए हजरत अब्बास के परनाला, हजरत अब्बास के मकान से एक परनाला निकला था, उस परनाले से पानी का कतरा खून से मिलकर जमीन पर गिरा, हजरत उमर के कपड़े में लगा, हजरत उमर कपड़ा तब्दील किए, मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए। नमाज अदा करने के बाद हजरत उमर वापस आए और कहे ए अब्बास इस परनाले को उखाड़ दो, इस परनाले को यहाँ से उखाड़ दो
क्योंकि लोगों को तकलीफ होती है। हजरत अब्बास कहते हैं मैं उस प्रणाले को उखाड़ कर जमीन पे फेंक दिया। जमीन में जैसे ही हजरत अब्बास उस प्रणाले को फेंकते हैं आंखों से आंसू जारी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने पूछा अब्बास इस प्रणाले से इतनी मोहब्बत कैसे थी? अरे ये वो प्रणाला था जिससे लोगों को तकलीफ होती थी। पानी का कतरा जो गंदे शक्ल में या खून का कतरा पानी के साथ मिलकर जो लोगों के कपड़े में लग जाता तकलीफ होती थी, उसका कपड़ा खराब होता था। इस प्रणाले से मोहब्बत की आखिर वजह क्या है? हजरत अब्बास कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मामला ये नहीं है कि वो प्रणाला है, मामला ये है कि इस प्रणाले को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्रणाले को अपने दस्ते मुबारक से लगाया था, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं अब्बास तू बताया क्यों नहीं कि इस प्रणाले को मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था? ए अब्बास मेरे सीने पे सवार हो जाओ और मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, इस प्रणाले को वहां लगा दो जहां मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था। नबी का इश्क का मामला होता है, हुदैबिया का मौका है। हजरत सहाबा जब उमरे के इरादे से चले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा के एक बड़ी जमात लेकर हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया। सुलह की बात चलने लगी तो बात आते आते हजरत उमर ने मशवरा दिया ए अल्लाह के नबी सुलह की बात करने के लिए और कुफारे मक्का से सुलह करने के लिए हजरत उस्मान का इंतखाब किया जाए, क्योंकि मेरा मामला ये है अगर मेरा इंतखाब होता है तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी, इसलिए हजरत उस्मान का इंतखाब किया गया। हजरत उस्मान मक्का की सरजमीन में जाते हैं, लोग कहते हैं ऐ उस्मान मौका अच्छा है, इससे बेहतरीन मौका तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हुदैबिया के मकाम पर रोका गया सहाबाए किराम के साथ, ऐ उस्मान तुम मक्का की सरजमीन में आए हो, ये खाना काबा है, उमरे के इरादे से चले थे, इसका तवाफ कर लो, पूरी दुनिया की तारीख में ये तारीख लिखा जाएगा कि खाने काबा का तवाफ करने वालों में अगर मुसलमानों में सबसे पहला नाम तो हजरत उस्मान का नाम है। हजरत उस्मान जवाब देते हैं कि लोगों हम अल्लाह के नबी के कदम के आगे अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह के नबी जिस काम के लिए भेजे हैं वो काम करेंगे। मुझ कुफारे मक्का कहने लगे उस्मान मेरे सरदार से बात करने के लिए शर्त ये है ये पायजामा जो आपके टखनों से ऊपर है आप टखनों से नीचे कर लीजिए, ये कही इसलिए कि हमारे सरदार से बात करने के लिए इस तरह के पायजामा पहनकर उससे बात नहीं कर सकते। हजरत उस्मान कहते हैं लोगों मैं नबी के तरीके को छोड़कर मैं तुम्हारे कुफारे मक्का से और सरदार ने मक्का से बात करूं, ये मैं इस चीज को मैं गवारा नहीं कर सकता, मैं उससे बात ना करूं ये हो सकता है, लेकिन ये पायजामा टखनों के नीचे पहन लूं इस बात का हम इस बार ये काम नहीं कर सकते। याद रखिए हमारे साथ नबी की सीरत नबी के तरीके, नबी ने तो एक छोटी छोटी तालीम दी है। आप तारीख पढ़िए, एक अंग्रेज मौर्रिख वाकया लिखता है, एक तारीख लिखता है और तारीख ये लिखता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। वो शख्स 100 आदमियों का लिस्ट तैयार करता है और सबसे पहला नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखता है। लोगों ने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, आपने आपकी रिसालत का इकरार नहीं किया, आखिर मामला क्या है? कौन सी ऐसी बात आपकी जिंदगी आपके कानों से और आपके नजरों से गुजरी जो आपको बहुत अच्छा लगा कि दुनिया का सबसे बेहतर इंसान अगर वो हो सकता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हो सकती है? वो जवाब देता है कि मैं एक सीरत की किताब पढ़ रहा था और उस सीरत की किताब पढ़ते हुए मेरे नजरों से एक वाकया गुजरा। वाकया ये लिखा हुआ था कि एक शख्स
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और इस बात को लेकर हाजिर हुआ, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा बेटा था जो गुम हो गया है, ए अल्लाह के नबी दुआ फरमा दीजिए या कोई तरीका बता दीजिए जिससे मेरा बेटा मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो ही रही थी, एक सहाबी दौड़े हुए आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर, इस शख्स का बेटा फला बाग में खेल रहा है। वो सहाबी दौड़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने जो तालीम उस सहाबी को दी वो बताना मकसद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आखिर क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? ए अल्लाह के पैगंबर, मेरा बेटा जो गुम हो गया था उसका पता चला है, वो फला बाग में खेल रहा है। ए अल्लाह के नबी, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अपने बेटे से मुलाकात करूंगा। वो गुमशुदा बेटा जो मेरे नजरों से ओझल था, मेरा दिल तड़प रहा है कि उससे कब मुलाकात करूं। अल्लाह के नबी ने करीब बुलाया और इरशाद फरमाया कि उस बाग में जब दाखिल हो जाओ और उस बाग में जब जाओ तो एक बात का ख्याल रखना, ए अल्लाह के पैगंबर, जरूर बताइए। अल्लाह के नबी ने तालीम दी और ये तरीका बताया कि जब उस बागीचे के अंदर दाखिल हो जाओ तो अपने बेटे को बेटा कह के मत पुकारना, बेटे का जो नाम है वो नाम लेके पुकारना। वो सहाबी कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, कोई हिकमत, कोई मसलियत बता दीजिए कि मैं नाम ना लूं। नाम ना लेने का मकसद क्या है और क्या हिकमत है? अल्लाह के नबी ने जो तालीम दी वो दिल में हाथ रख के इस बात को आप सोचिए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, उस बाग में तुम्हारे बेटे के अलावा बहुत सा ऐसा बट्टा बच्चा उस बाग में खेल रहा होगा जिसका जिसका बाप दुनिया में ना हो, और हो सकता है तुम इस तड़पते दिल के साथ उस बेटे को बेटा कह के पुकारोगे। वो यतीम बच्चा जिसका बाप दुनिया में नहीं है, हो सकता है उसका दिल दुख जाए और उसको तकलीफ हो जाए और इस बात की आरजू उसके दिल में आ जाए, काश मेरा बाप होता तो मुझे भी बेटा कह के पुकारता। इसलिए जब उस बाग में दाखिल हो जाओ तो बेटा कह के मत पुकारना, उसका नाम लेके पुकारना। याद रखिए, मेरे नबी ने ये छोटी छोटी तालीम उम्मत को इसलिए तालीम दी और इसलिए तरीका बताया कि उम्मत का हाल और उम्मत की जिंदगी हमारे साथ आपके सामने और हमारे सामने है। हम हर रोज देखते हैं हमारे नजरों के सामने जो बच्चे आज इधर से उधर घूमते हैं उसका मुस्तकबिल आप अपनी नजर उठा के देखिए, आगे मुस्तकबिल देखिए, आपको सिर्फ अंधेरा नजर आएगा, कहीं उजाला नजर नहीं आएगा। आज वालिदैन के साथ जो मामला हो रहा है, जिनके जो हुकूक हैं, जिनके जो मामलात हैं, माँ बाप का हुकूक, माँ बाप का अदब, बड़ों का अदब और बड़ों के साथ बात करने का तरीका और सलीका जो हमारे साथ होना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही है। माँ का दर्जा और बाप का दर्जा आज कौन बताएगा और कौन सिखाएगा? वो बच्चा जिसका ताल्लुक मदरसों से होगा, वो बच्चा जिसका ताल्लुक उलमाए किराम के साथ उठना बैठना होगा, जिनका ताल्लुक दीनी माहौल में होगा, वो बच्चा इस लायक होगा कि अपने बाप के मर्तबे को पढ़ेगा, अपने माँ के मर्तबे को पढ़ेगा। माँ बाप का वाकया ये है, एक वाकया बता दूं, हजरत मालिक बिन दीनार हज में गए हुए थे। हज में उन्होंने जब हज मुकम्मल किए तो एक ख्वाब देखे, अल्लाह से सवाल किया, ए मेरे अल्लाह, आप ये बता दीजिए कि इस हज में कितने लोग आए हुए हैं और कितने लोगों के हज कबूल है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कहे मालिक बिन दीरार, इस हज में 6 लाख लोग आए हुए हैं और इसमें जो है 5 लाख तकरीबन एक शख्स ऐसा है जिसका हज कबूल नहीं। बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो कौन शख्स है जिसका हज कबूल नहीं। मालिक बिन दीनार उठते हैं, तलाश करते हैं, वो अराफात के मैदान में जब पहुंचते हैं तो देखा वो दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा है, समझ गया ये वही शख्स है जिसकी हज कबूल नहीं। वो उस शख्स देखा कि एक मेहमान है, अपनी नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद पूछा कि मालिक बिन दीनार, तू यही पूछने आया है हमसे कि तेरा हज कबूल नहीं? कहा, तुझे कैसे पता कि मेरा हज कबूल नहीं? कहा कि मामला ये है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक साल, दो साल नहीं, 3 साल, 5 साल नहीं, मामला ये है कि मेरे 40 साल की उम्र में ऐसी गुजार रहा हूँ, अपनी जिंदगी का 40 साल का हिस्सा इस तौर पर गुजारा हूँ कि मैं रात भर नमाज पढ़ता हूँ,
दिन भर रोजा रखता हूँ, हर साल हज करता हूँ, हज मुकम्मल होता है। एक आवाज आती है कि अबू हारून तेरा हज कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दिनार पूछते हैं आखिर मामला क्या है, रात भर इबादत करना, दिन भर रोजा रखना और हर साल हज करना। वो शख्स कहता है असल मामला ये है कि मेरी जवानी की जो उम्र थी मैं शराब पीता था और शराब के नशे में धुत रहता था। मैं रात को शराब पीकर रोजाना घर आया करता था, मेरी बीवी सो जाती थी, मेरी माँ मेरे इंतजार में रहती थी और इस इंतजार में रहती थी काश मेरा बेटा आएगा और मैं उसे खाना खिलाऊंगा। मैं रोजाना आता था वो खाना गर्म करती थी, मेरे नशे को उतारती थी, रोजाना गर्म खाना खिलाती थी। एक मौके पर रमजान मुबारक का महीना था, पहले रमजान को मैं शराब पीकर आया और जैसे ही मैं दरवाजे पे दस्तक दिया मेरी माँ ने मुझे डांटा और कहा बेवकूफ आज रमजान का दिन है और रमजान का महीना शुरू हुआ है, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है, अल्लाह से तुम्हें डर नहीं है कि तुम शराब पीते हो और इस चीज से तौबा नहीं कर सकते। उसको वो कहता है मैं नशे में धुत था, मैं तमीज नहीं कर पाया और इस बात को मैं नहीं कह सकता, मैं अपने दिमाग में इस बात को नहीं बैठा पाया कि मुझे करना क्या था। मैं अपनी माँ को उठाया और आंगन में तंदूर जल रहा था, मैंने अपनी माँ को उस तंदूर में डाल दिया। उसका अजाब का मामला जिंदगी में मेरे साथ ये हुआ कि 40 साल से रोजा रख रहा हूँ, मेरा रोजा कबूल नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाजें कबूल नहीं है, मैं हज कर रहा हूँ, अल्लाह की तरफ से आवाज आती है तुम्हारा हज कबूल नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो जिंदगी दी, हमारे लिए तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारे लिए बेहतरीन तरीका है। बड़ी संजीदगी के साथ तकरीर तो सब जगह होती है, हर इंसान संजीदगी से अगर सोच ले कि हम किस नबी की उम्मत है, उस नबी की सीरत को उठाइए जिस नबी ने चलते चलते भी किसी का सवाल कभी नहीं किया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से जा रहे हैं और सवाल इस बात का है कि अल्लाह मेरी उम्मत का हाल क्या होगा। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, बाहर मलकुल मौत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्राइल ने इजाजत मांगी, ए अल्लाह के पैगंबर मलकुल मौत बाहर खड़ा है, आने की इजाजत चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं कब मना किया, आने की इजाजत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरवाजे में मलकुल मौत अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत कहने लगा दुनिया का वाहिद हस्ती है जिसे मैं पूछ कर आ रहा हूँ और जिसे सलाम करके आ रहा हूँ, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ। हजरत जिब्राइल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किए है, आप सोचिए अल्लाह के नबी का दर्द इस उम्मत के लिए और इस उम्मत के खातिर। कभी अल्लाह के नबी ने जाते जाते हसन हुसैन का सवाल नहीं किया, फातिमा का सवाल नहीं किया, खानदान का सवाल नहीं किया, सहाबा के बारे में सवाल नहीं किया, अपने पड़ोसी का सवाल नहीं किया, अपने साथ रहने वालों का सवाल नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से जो सवाल किया वो ये सवाल किया, ए जिब्राइल अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे रब से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। वो उम्मत जो आज दिन भर झूठ बोलते हुए, वो उम्मत जो आज हमारे कानों से आजान की आवाज आती है हमें एहसास और महसूस तक नहीं होता कि ये आवाज क्यों दी जा रही है। तब वो मुअज्जिन जो आजान दे रहा था, एक मर्तबा आजान दिया मस्जिद कोई नहीं आया, वो मुअज्जिन फिर आजान दे दिया, दोबारा आजान दिया तमाम लोग पहुंच गए, मुअज्जिन साहब क्या हुआ, आजान फिर दे दिए, कहा अभी जिस तरह आए हैं इसीलिए आजान दिया था कि पहली मर्तबा भी आई। मामला इंसान सुनता है समझने, अगर इंसान बातों को सुने और उसको अपने दिल में बैठाए और समझे, न समझने का नतीजा वो रोजेदार को दिन में पानी पिलाता है और नहीं समझता है तो मामला उल्टा का पुल्टा हो जाता है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि जो बात सुने उसे अमल की नीयत से सुने, जो बात हमारे कानों से गुजरे उस पर अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए एक ऐसा नमूना बनाया। आप जिंदगी गुजारिए, आपका तरीका, आपका सलीका, आपका उठना बैठना, आपकी शादी ब्याह,
आपकी खुशी, आपकी गमी, आपका तरीका इस तौर पर होना चाहिए कि आप रास्ते में चलेंगे तो दूसरा आदमी कहने वाला जो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं लाया है, अल्लाह की वहदानियत को इकरार नहीं किया है, वो चलने वाला इस बात की गवाही देगा। ये वो शख्स है जो नबी का दीवाना है, ये वो शख्स है जो मुसलमान कहलाता है, ये वो शख्स है जिसका मजहब इस्लाम है, ये वो शख्स है जो कुरान को पढ़ता है। वो कुरान करीम जो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, वक्तन फवक्तन जब जैसी जरूरत पड़ी कुरान करीम का नुजूल होता रहा, और वो कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाता रहा। याद रखिए, सहाबा ने नबी से तरीका सीखा तो वो तालीम हासिल की, कुरान सीखा तो वो तालीम हासिल की कि जब मैदान जंग है, जंग के मैदान में सहाबा जंग के लिए जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा को इस्लाम की बुलंदी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए और इस्लाम के तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए सहाबा ने अपनी जानों को कुर्बान दिया, कुर्बान किया, अपनी औलाद कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी दी, और जब जैसी जरूरत पड़ी हजरत सहाबा कुर्बानी देते रहे। अल्लाह का मामला ये है कि जब हम नेक अमाल करते हैं, अल्लाह हमारे नेक अमाल को जाय नहीं करता। दिल के गहराई से जब अल्लाह को याद किया जाता है और नबी के तरीके के मुताबिक जब जिंदगी गुजारी जाती है, अल्लाह उन नेकियों को अल्लाह कभी जाय नहीं करता। एक बहुत बड़े बुजुर्ग का वाकया है, वो लिखते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, वो नेक अमल के तौर पर उन्होंने नमाज पढ़ता रहा, अपनी माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करता रहा। शैतान उस बुजुर्ग शख्स को बहकाना चाहा और बहकाता हुआ कहने लगा, अरे आपका मकाम हजरत सहाबा के मुताबिक, क्योंकि आपका काम वो है जो हजरत सहाबा ने किया। सहाबा को तो यही काम था, अपनी जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जब जैसी जरूरत पड़ी हजरत सहाबा कुर्बानी देते रहे। आपका भी वो मकाम है और आपका भी वो मर्तबा है। शैतान उनके नेकियों को बर्बाद करना चाहता था, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे ओंग तारी किया और उसे नींद आई, वो एक ख्वाब देखा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह उसकी नेकियों की हिफाजत इस तौर पर करता रहा कि वो ख्वाब ये देखता है, एक गाड़ी है, चार पहिए की एक गाड़ी है, एक ऊंचाई पर चढ़ रही है, आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गाड़ी पर आगे सवार हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक, हजरत अली मुर्तजा, हजरत उस्मान गनी, ये तमाम खुलफाए राशिदीन अल्लाह के नबी के साथ उस गाड़ी में सवार है। ये बुजुर्ग देखता है, मैं पीछे बैठा हूँ और उसकी आलिया भी पीछे बैठी है। अचानक ख्वाब देखते हुए ये देखता ये है वो गाड़ी ऊंचाई में चढ़ती है और चढ़ते हुए उस गाड़ी का सिस्टम खराब होता है, वो गाड़ी पीछे आने लगती है। उसको ख्याल आया कि शायद गाड़ी पीछे हटेगी, अल्लाह के नबी को तकलीफ हो जाएगी, शायद वो गाड़ी नीचे आएगी, खुलफाए राशिदीन को तकलीफ हो जाएगी। वो दोनों मियां बीवी उस गाड़ी से उतरते हैं पत्थर की तलाश करने के लिए, कहीं पत्थर मिल जाए मैं गाड़ी के पहिए में दे दूं, अल्लाह के नबी इससे महफूज हो जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। वो शख्स कहते हैं, मेरा अल्लाह ने मेरा जहन इस तौर पर साफ किया, जब मैं लौट कर आया तो मैं देखा उस पहिया वे उस पहिए को कि गाड़ी खड़ी थी, और मामला ये था कि उस एक पहिए पर हजरत अबू बकर का सर था, दूसरे पे उमर का सर था, तीसरे पे हजरत उस्मान का सर था और चौथे पे हजरत अली का सर था। ज़हन साफ हुआ, हजरत सहाबा अल्लाह के नबी की जान की हिफाजत के लिए पत्थर तलाश नहीं किया करते हैं, वो तो अपनी जानों को कुर्बान उसी वक्त और उसी वक्त कुर्बानी देते हैं। अल्लाह उस शख्स की नेकी को इस तौर पर महफूज रखता है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो जिंदगी दी वो एक कीमती जिंदगी है। इस जिंदगी के मुताबिक अल्लाह हमसे सवाल भी करेगा, हमारे हाथ से भी, हमारे कदमेन से भी। अल्लाह तबारक व ताला हमारा एक एक अज़ू से सवाल करेगा। ये जुबान जो दुनिया में कैंची की तरह चलती है, वो जुबान जिससे हम दिन रात झूठ बोलकर अपने आप को, आपके अपनी बरात जाहिर करते हैं। याद रखिए, जब कयामत का मैदान होगा और मैदान महशर होगा, अल्लाह का मामला ये होगा कि इसकी जुबान को जो बोलने की ताकत है
उसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि जुबान में बोलने की ताकत देने वाला वो जात, चाकू में काटने की सलाहियत देने वाली वो जात, वो पानी जो डुबोने की सलाहियत है, वो आग जिसको जलाने की सलाहियत है, अल्लाह ने उसे कुदरत दिया है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कमाल दिए हैं कि जिसको काटने की सलाहियत हो और जिसमें डुबोने की सलाहियत हो, अल्लाह तबारक व तआला जुबान पर ताला लगाएंगे, इसके हाथों से सवाल किया जाए, ये हाथ किस तरह इस्तेमाल किया, इनके कदमें से सवाल किया जाए, ये कदम किस तरफ चलता रहा, इन आंखों से पूछ लिया जाए, ये आंखें किधर उठती रही। अल्लाह का कलाम पढ़ने में वो कुरान करीम जो अल्लाह का, अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा मौजजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुरान करीम वक्तन फवक्तन जब जैसी जरूरत पड़ी पड़ती रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो कुरान नाजिल होता रहा, और आसमानी किताबें अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाई, इस तौर पर उसके लिए दिल मुतय्यन किया, उसके लिए जगह मुतय्यन किया, लेकिन कुरान का मामला आया और अपने हबीब पर जब कुरान करीम नाजिल करने का मसला आया, अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मेरे हबीब फला जगह बैठ जाइए इतने दिन तक, ए मेरे नबी मैं तुम्हें कुरान और किताब देने वाला हूँ। मामला ये हुआ कि आप बदर में हैं तो कुरान बदर में, आप उहद में हैं तो कुरान उहद में, आप गजवे तबूक में हैं तो कुरान गजवे तबूक में, आप मक्का के रास्ते में हैं तो कुरान मक्का के रास्ते में, आप सहाबा किराम की जमात में मौजूद हैं तो कुरान करीम का नुजूल सहाबा किराम की जमात में, हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के बिस्तरे में मौजूद है, कुरान करीम का नुजूल वहां भी हो रहा है। ये कुरान जिस तौर पर नाजिल हुआ था आज से 1450 साल पहले, जिन हुरूफ के साथ, जिन अल्फाज के साथ, जिन आयतों के साथ और जिन सूरत के साथ ये कुरान करीम नाजिल हुआ, उसी तौर पर आज कुरान करीम मौजूद है। आप याद रखिए, आप तजर्बा कीजिए, दुनिया का हर कोना आपके सामने है, दुनिया के हर कोने से अगर इंसान हुफाज़े किराम से कहा जाए कि आप कुरान करीम सुनाइए, तो हमें चढ़ते सूरज से ज्यादा यकीन है वो तमाम हुफाज़े किराम कुरान करीम को सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू करेंगे और सूरतुन नास पर खत्म करेंगे। आज हमारे साथ परेशानी ये है, ये अल्लाह का कलाम अपने दिल में इस कलाम का नूर उतारते, ये कलाम जो हिदायत का ऐलान करते हुए आया था, आज हमारा मामला ये है हर घर में 10 से 15 साल पीछे जाइए, हर घर से कुरान करीम पढ़ने की आवाज आती थी। आज मुसलमानों का हाल ये है कि ये मुसलमान कुरान करीम का एक सफा कुरान करीम का और ये अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ सकते। ये मुसलमानों का हाल ये है कि वह होटलों में बैठकर और दुकानों में बैठकर हिंदी अखबार 14 सफे का हिंदी अखबार वो पढ़ सकता है, अल्लाह का ये कलाम उसके लिए पढ़ने के उसके पास वक्त नहीं है। अगर यही हालात रहे और यही दिलचस्पी कुरान करीम से हमारी अगर दूरी होती रही, तो मामला ये भी होगा, वाकया चाहे पुराना है लेकिन बात अच्छी है। मैं वो बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि मौलाना सालिम साहब नव्वर अल्लाह मरकज़हु के साहबजादे कारी आसिम एक वाकया नकल करते हैं। वो कहते हैं, मैं अमेरिका के एक शहर में रहा करता था, उस शहर में जहां मैं रहता था वहां जुमा की नमाज नहीं होती थी। मैं एक शहर से दूसरा शहर बाय प्लेन गया ताकि जुमा की तलाश में निकले, कहीं जुमा की नमाज हो, मैं जुमा अदा करूं। वो कहते हैं, मैं एयरपोर्ट से बाहर आया, टैक्सी वाले से सवाल किया कि साहब ये बताइए, कोई ऐसी जगह बता दीजिए, कहा कि जहां 10-20 लोग 50 लोग बैठकर टोपी कुर्ता के साथ आज के दिन जमा होते हो। वो टैक्सी वाले ने कहा, मैं आपको ले चलता हूँ उस मकाम पर। वो कहते हैं, मैं उस मकाम पर पहुंचा तो देखा एक हबशी इमाम था, खुतबा नहीं पढ़ा, आजाने सानी नहीं दी गई बगैर खुतबे के और बगैर आजाने सानी के, वो इमाम मुसल्ले में खड़ा हुआ और नमाज शुरू किया और नमाज पढ़ते पढ़ते पहली रकात में वो इमाम हबशी इमाम पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ता है और फिर सूरह फातिहा के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ता है। दूसरी रकात का यही मामला है कि सूरह फातिहा पढ़ा और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ता है। जब नमाज मुकम्मल किए, आरी साहब कहते हैं, इमाम साहब नमाज नहीं हुई। आप
सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब। आपने सूरह फातिहा के बाद कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ी, वो हबशी इमाम समझ गया कोई मुकीम नहीं, कोई मुसाफिर है जो हमसे इतना बड़ा सवाल कर रहा है। वो कहने लगा आप हाफिज कुरान हैं? कहा कि हाँ मैं हाफिज कुरान हूँ। बड़ा ताज्जुब से पूछा आपको मुकम्मल कुरान करीम याद है? कहा कि जी हाँ हमको मुकम्मल कुरान करीम याद है। वो कहते हैं कारी साहब कहते हैं इमाम साहब ने कहा कारी साहब आप नमाज पढ़ाइए। कारी साहब आगे बढ़े मिंबर पर तशरीफ रखे आजाने सानी दिलवाई। आजाने सानी देने के बाद फिर खुतबा दिया गया और खुतबा देने के बाद कारी साहब कहते हैं जब मैं मुसल्लम पे खड़ा हुआ तो 80 से 90 साल का बूढ़ा मेरे करीब आया और मेरे कानों में वो बूढ़ा शख्स जिसका पैर चल नहीं रहा था, जुबान चल नहीं रही थी, उन कांपते जुबानों के साथ जो लफ्ज बोला था और जो कहा था वो बात बताने चला हूँ। वो बूढ़ा शख्स आपके करीब आया और कहा कि आप हाफिज कुरान हैं, आप मुकम्मल कुरान करीम पढ़ सकते हैं। याद रखिए जो शख्स पूरी जिंदगी में 80-90 साल जिंदगी में कुरान करीम की सूरह फातिहा के अलावा कोई दूसरी सूरत ना पढ़ना सुना हो और ना उसके कानों तक ये आवाज गुजरी हो, उसको ताज्जुब होगा कि कुरान का पूरा मुकम्मल कुरान करीम इस शख्स को याद है। वो कहते हैं मुसल्ले में जब खड़ा हुआ वो मेरे कानों में आके कहने लगा कारी साहब आज मेरी उम्र 80 से 90 साल की उम्र गुजर गई, मेरे इन कानों ने सूरह फातिहा के अलावा आज तक कोई दूसरी सूरत नहीं सुनी। आरी साहब आज आप जितनी लंबी सूरत पढ़ सकते हैं और कुरान करीम की जितनी लंबी आयत और सूरत तिलावत कर सकते हैं आप पढ़िए, आज तक मेरी उम्र 80 साल गुजर गई, मेरे इन कानों ने कुरान करीम की सूरह फातिहा के अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं सुनी। याद रखिए अपने बच्चों को अगर वो कुरान करीम की तालीम देंगे तरबियत देंगे और जैसी तरबियत देंगे आपका नतीजा आपके सामने होगा। फिर आप शिकायत इस बात से ना कीजिए और इस बात को कहकर कि मौलाना एक तावीज दे दीजिए, मेरे बेटे का मामला यही है, मेरा बेटा हमसे बातें नहीं करता, हमारा मामला ये है। आप फैसला करेंगे अपने जिंदगी का और अपने बच्चों की जिंदगी का। आपकी चारपाई आपके उस घर के अंदर लगती है या वो चारपाई दरवाजे पे लगती है, वो अपने बच्चों को जैसी तरबियत दीजिएगा तब वो आपकी चारपाई अपने साथ लगाएगा। अपने बच्चों की तरबियत अगर दीन और दीनी तालीम और तरबियत के साथ आप जोड़ेंगे आपके मर्तबे को वो बच्चा समझेगा। अगर उससे उस दीनी तरबियत और तालीम को नहीं जोड़ेंगे तो आपकी चारपाई उस दरवाजे पर लगने वाली है जहाँ से वो शख्स भी दाखिल होता है, हर शख्स उस दरवाजे से दाखिल होता है। आज आपके साथ और आपके सामने जो हालात है और जो तरीके हैं और मुसलमानों के साथ मुल्की सतह पर सूबाई सतह पर जिस तरह के भी मामले हो रहे हैं हम तो देखते रहते हैं और हमारा मिजाज ऐसा बनता जा रहा है। हम ये सोचते हैं जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो समझेगा, जिसको पकड़ा जा रहा है उसका मामला होगा। आज जिसके गिरेबान में हाथ डाला जाता है सिर्फ वही चीखता है, जिसे दिल पर जुल्म होता है सिर्फ वही आवाज उठाता है, दूसरा सब तमाशा ही बनकर देखते रहते हैं। इसी वजह से शायर ने कहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे आप भी चुप थे अगला नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तू भी चुप है अगला नंबर आपका है। वाह क्या कहने, बहुत हमारे लिए सोचने की चीज है। ये दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी, नबी के तरीके आएंगे, अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे, अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत से नवाजेंगे और अपने बच्चों को जब दीनी तालीम और तरबियत से नवाजेंगे तो आपके लिए ये मसला हल होगा और आपके बच्चों की तरबियत भी हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे ईमान और इज्जत के साथ रखे, अल्लाह जब मौत दे तो ईमान की हालत में दे। ये दोगो एक छोटी सी बात याद आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें ईमान लाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल इस उम्मत के लिए ये था। आप अगर अपने नबी को उस दिन देख लीजिएगा
कि मैदान महशर होगा, एक आवाज आएगी चारों तरफ से, चाहे वो अंबिया हो, चाहे वो कौलिया हो, चाहे किसी दर्जे के वो बहुत बड़े बुजुर्ग हो, तमाम की जुबान से एक आवाज आएगी, या रब्बी नफसी नफसी, ए अल्लाह मेरी जान, ए अल्लाह मेरी जान। नबी की भी आवाज होगी, या अल्लाह मेरी जान। उस आवाज में एक आवाज उठेगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। तमाम लोग ताज्जुब करेंगे, कौन शख्स है जो अपनी उम्मत का सवाल कर रहा है, अपने बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। आप अपनी नजरें उठाएंगे तो आप देख लेंगे अपने नबी को उन कांपते हाथों के साथ और लरजते कदम के साथ और बहते आंसुओं के साथ कि या अल्लाह मेरे नबी का हाल ये है। नबी की फिक्र तो ये है कि जब तक अपनी उम्मत के एक एक शख्स को जन्नत में दाखिल ना कर ले, उस नबी को सुकून और उस नबी को चैन नहीं आ सकता। आप तय कीजिए कि हमारी जिंदगी गुजरेगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरेगी। हम जब तक जिंदा रहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल करते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक।